अस्सलाम वालेकुम, PK47 न्यूज़ इमरान कराची। आज टंकी मार्केट में जावेद भाई की तरफ बैठे हुए थे तो आज माशाल्लाह काम करते हुए देखा। इतने लोग हैं, हाथ फैलाते हुए घूमते हैं, जवान लोग भीख मांगते हुए घूमते हैं और ऐसे करते हैं। मगर आप बुजुर्गी का एहसास देखें कि इनमें माशाल्लाह अभी तक जवानी है और अपने मेहनत करके खाते हैं। तो इंसान अगर मेहनत करके खाए तो हर काम कर सकता है, चलते फिरते डोर टू डोर काम कर सकता है। ये देखें, ये सालन बेच रहा है, ये देखें रोटी सालन है। क्या क्या सालन होते हैं आपके अंकल? भाई मेरे पास चार आइटम रोजाना बनते हैं। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद है। खालिद, ये आप इधर ही रहते हैं मलीर में? जी हम एचेरी में रहते हैं। एचेरी में रहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। चार तीन साल पहले खालिद कटे हुए थे। अच्छा अच्छा जी हाँ, जॉब करते हैं, जॉब मैंने ये काम शुरू। तो ये आप माशाल्लाह रोज से आप पूरे टंकी मार्केट इधर उधर सब लियाकत मार्केट ये सब जगह आप सप्लाई करते हैं? अच्छा, तो आप ये देखें कि आप ये आप इनसे क्या ले रहे हैं? मैं इनसे बाबा से जो है मुसलसल खाने लेता हूँ। अच्छा, मैं इनको जैसा कि आपने कहा जावेद भाई इस उम्र के अंदर जो है ये खाना सप्लाई कर रहे हैं तो मैं काबिल बहुत अच्छी बात है। इस उम्र के अंदर जो है खुद अपनी मेहनत रोजी से कमा रहे हैं और उन तमाम लोगों के लिए ये रास्ता मुहैया कर रहे हैं कि अगर कोई बेरोज़गार है तो वो आए और अपने रोज़गार जो है ना घर में खाना पकाए और लोगों को सप्लाई करे अच्छे मियारी की। तो ये मियारी खाना बेचते हैं इसलिए पूरी टंकी मार्केट से खाना लेते हैं। अच्छा, क्या लेते हैं खाना इनसे बाबा से? ज़बरदस्त होता है और हम लोग लेते हैं, सही रेट लेता है। अच्छा अच्छा, टंकी मार्केट पूरी इससे लेता है। अच्छा, हाँ सही रेट देता है मजदूर लोग के लिए। तो आप क्या काम करते हैं? हम तो होटल पे बार बार करते हैं। अच्छा अच्छा, खाना इन्हीं से खाते हैं, ये घर का खाना बनाते हैं ये माशाल्लाह। हाँ, आपने देखा होगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में लोग जो हैं खुद काम करें और अपनी मदद। आप अगर इसी सियासी चक्कर में लग जाएंगे कि कोई हमें रोटी रोटी रोजी देगा तो ऐसे नहीं मिल सकती। आप इन इनसे गुजारिश करता हूँ, मेहनत करें, मेहनत करके खाएंगे उसमें फ़ायदा होगा। अपने बच्चों को कोशिश करें हलाल खिलाएं। तो मैं अब मेरी कोशिश होती है अपने बच्चों हरार के ना, और सब ये कोशिश होती है मेरी कि कोई मेरी वजह से भूखा ना रहे। आप देख रहे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। ठीक है, PK47 न्यूज़ इमरान कराची, सच की आवाज़। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे थे तो मैं